वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज हम आए हैं डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। इस शहर में जगन्नाथ स्वामी का एक भव्य मंदिर है। तो चलिए आज हम इस मंदिर के दर्शन करने चलते हैं और साथ ही श्री कृष्ण के इस अवतार के पीछे की कहानी सुनते हैं। जगन्नाथ अर्थात पूरे जग का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। श्री कृष्ण ने जब महाभाव का सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया तो उन्होंने ये रूप धारण किया। डिब्रूगढ़ में बनाया ये जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा वाले मंदिर का रेप्लिका यानी कि प्रतिकृति है। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण लीला की कहानी दर्शाई गई है। जब तक आप इन पेंटिंग्स को देख रहे हैं तब तक मैं आप सबको इस रूप के पीछे की कहानी सुनाती हूँ। पर उससे पहले आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि मंदिर में प्रवेश करते ही आपको विशाल अरुण स्तंभ नजर आएगा, और मुख्य भवन में प्रवेश करते ही आपको गरुड़ जी के दर्शन मिलेंगे। तो कहानी शुरू होती है द्वारका से, जहाँ श्री कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियों के साथ रहते थे। द्वारका की सारी रानियां अक्सर ये सोचा करती थीं कि आखिर श्री कृष्ण हमेशा ही वृंदावन के ख्यालों में क्यों डूबे रहते हैं। उनको जिज्ञासा होने लगी। उन सबको जानना था कि आखिर वृंदावन उनके लिए इतना खास क्यों है। और फिर एक दिन सारी रानियां बलराम जी की माता रोहिणी जी के पास जाकर उनसे वृंदावन की कहानियां, कृष्ण लीला सुनने की मांग करते हैं। रोहिणी जी उनको ये कहानियां सुनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, किंतु ये कहानी यदि कृष्ण या बलराम जी सुन लेते तो उन दोनों को तुरंत ही वृंदावन जाना होगा। उन्होंने ऐसा उन रानियों को कहा। अब कोई भी रानी कृष्ण को द्वारका से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, पर कहानी तो सुननी थी उनको वृंदावन की, लीलाओं की। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा मंदिर में की गई नक्काशी को देखिए। सांप, फूल, लताएं कितने सुंदर से उकेरे गए हैं ना। जगन्नाथ जी की प्रतिमा को देखिए, इनकी आंखें और होठ बड़े हैं, मुस्कान अधूरों पर लिए और हाथ बाहर की तरफ बनाए गए हैं, मानो वो अभी गले लगाकर उनके द्वारा हर एक व्यक्ति के दुख पीड़ा को हर लेंगे। उनके साथ है उनकी बहन सुभद्रा और भैया बलराम जी की प्रतिमा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोहिणी जी सारी रानियों की बात मान लेती है और कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। सब ये निर्णय करते हैं कि द्वार पर कृष्ण की बहन सुभद्रा को खड़ा किया जाएगा, और यदि श्री कृष्ण और बलराम आएंगे तो वो तुरंत आकर रोहिणी जी को बता देंगी, ताकि कहानी को वहीं रोक दिया जाए। रोहिणी जी ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी इतनी अच्छी और अद्भुत थी कि सुभद्रा जी भी उस कहानी में खो गईं, सुनने में लीन हो गईं।
उसी दौरान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ जाते हैं, और चूंकि सुभद्रा जी कहानी में खो चुकी थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब ये दोनों आकर वहाँ खड़े हो गए थे। दाई तरफ बलराम जी और बाई तरफ श्री कृष्ण जी खड़े होकर उन लीलाओं को, उस कहानी को सुनने लग गए। लीलाएं इतनी मधुर थी कि वे तीनों ने दिव्य भावनाओं को विकसित करना शुरू किया और महाभाव की ओर बढ़ते गए। इसी कारण उनकी आंखें बड़ी हुई, शरीर सिकुड़ गया और पैर नजर आने ही बंद हो गए। ये क्या हुआ? आगे की कहानी तो हम अगले संडे पूरी करेंगे। फिलहाल मंदिर को देखिए, कितना भव्य, कितना सुंदर है। गेट भी देखिए, गेट में भी जगन्नाथ जी के मंदिर को बनाया गया है। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी को बनाया गया है। इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ समाप्त करते हैं, पर अगले संडे आना मत भूलिएगा। इस कहानी को आगे चलकर पूरा करेंगे और आपको बाकी का मंदिर भी घुमा दूंगी। फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।